हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको ना क्लास 9 की मैथमेटिक्स की मिड टर्म एग्जाम की जो आपकी तैयारी है ना, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये पुराना पेपर पिछले साल का मिड टर्म का करवा रहा हूँ, और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ऐसा मेरा विश्वास है। और इस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, पुरानी वीडियोस देख सकते हो और नई वीडियो भी देख सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पेपर का जो पैटर्न है वो सेम ऐसे रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना डीयूई से, बाकी प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, तो ये सबके काम की ही वीडियो है, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर की जो आंसर किया ना, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ना, ये मिड टर्म का पेपर है, इसकी खास बात यह है कि इधर हिंदी मीडियम और इधर इंग्लिश मीडियम लिखे हुए क्वेश्चन, आप जिस भी मीडियम के हैं दोनों में से पढ़ के आप इसके आंसर दे सकते हैं, मैं दोनों में समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर ना √32 है और डिवाइड करना √2 से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बोला गया कि √32 को डिवाइड करना है √2 से। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको पहले एक रूट में लिख लेना, ठीक है। अब इसे आप काट दो तो ये हो गया 16, क्योंकि 16 दिन 32 होता है, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12 हो गया, ठीक है। तो ये 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। अब जिसको ये नहीं पता लगा तो ऐसे करो एलसीएम, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 में से 1 बार आ गया तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। और देखो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उन्हें कहूंगा कि आप खुद ट्राई करना, फिर अपने आंसर मैच करना कितने आपके आंसर सही निकलते हैं, ठीक है। चतुर्थांश होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। तो अब आप बताओ, यहाँ पर लिखे माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किसके अंदर दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सेकंड में, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, सेकंड आ गया, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों के ठीक होंगे ना, वेरी गुड। फिर ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, इसका अर्ध परिमाप निकालना है। देखो ये हमें तीनों साइड दे रखे, इसका सेमी पैरामीटर निकालना है। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब तीनों साइड का टोटल करके हमें 2 से डिवाइड कर देना। तो तीनों साइड कौन सी है, 20 है, 28 है, 24 है, तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आएगा 72, 72 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 36। 72 का आधा 36 होता है ना, तो हमारा आंसर कितना आ गया, सी। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 चर वाले एक रेखीय समीकरण के डैश हल हो सकते हैं। ये कह रहा है अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज डैश सॉल्यूशन। ये कह रहा है अगर एक लीनियर इक्वेशन है ऐसे, तो ये कह रहा है इसके कितने हल होंगे। देखो आप एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, वाई की जगह कुछ भी रख सकते हो, तो इसके हल जो होंगे ना वो होंगे इनफाइनाइट। पता है कैसे होंगे इनफाइनाइट, आप खुद सोचो अनगिनत क्यों होंगे, क्योंकि देखो जैसे ये इक्वेशन ले ली, मैंने एक्स की जगह 0 लिखा, तो 0 + y = 10, तो y = 10 आ गया। अगर मैंने एक्स की जगह मान लो मैंने यहाँ पर 2 रखा, तो 2 + y = 10, तो y कितने का गया, 10 - 2 = 10, में से 2 गए 8 बचे, हाँ या ना। ऐसे ही देखो ये कह रहे 2 नंबर को जोड़ने पर 10 आए, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इनको जोड़ने पर 10 आए, 5 और 5 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है, इस तरीके से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका हो गया। फिर ये कह रहा है पांचवे क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी बनाओ, बना लो, बना लिया। फिर ये कह रहा है कि ए 80 डिग्री का है, ए 80 डिग्री का, ठीक है, बना लिया, ए बी सी लिख लिया। फिर कह रहा है ए बी बराबर बी सी के है, ये ए बी ये बी सी के बराबर है। देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी ट्राइंगल में अगर ये 2 साइड बराबर है, तो ये जहां खुल रही है, ये खुल रही है, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर एक ट्राइंगल में त्रिभुज में, यानी कि अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो अब आप देखो डियर,
यहाँ पर ये साइड इसके बराबर है, तो अगर ये 80 का तो ये 80 का होगा, और ये ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो 8 8 16 यानी कि 160, 20 बचे तो ये 20 का आ गया, क्योंकि एक ट्राइंगल का टोटल 180 होता है। अगर ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो डियर इसका आंसर क्या आ गया हमारा, हमसे सी पूछा था तो सी कितना, 80 डिग्री, तो 80 डिग्री आ गया। मैंने पता है यहाँ पर बी को निकाल दिया कि अगर हमसे बी भी पूछे तो हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद ये पेपर करवाना नहीं है ना, अब आपके जो मिड टर्म के एग्जाम है उसकी भी तैयारी करवाना है। आप पुरानी वीडियोस मेरी जरूर देखना, आप एएससी स्टार्टर लिखकर जो भी वीडियो सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, जैसे चैनल के अंदर जाकर देखिए आप, ठीक है। तो दो चैनल बना रखे हैं, एक मतलब जिसमें और सबको दिखाता रहता है, इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है, वो है, और एक क्लास 9 के लिए स्पेशल डेडिकेटेड है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक सॉलिड है उसमें कितनी डायमेंशन होती है। देखो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सॉलिड होते हैं ना, ये 3D शेप के माने जाते हैं, ठीक है। इसने पूछा है कि कितनी विमाएं होती है, कितनी विमा होती है, तो कितनी होती है, इसमें तीन होती है, 3D शेप होता है। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछेगा ना 3D कौन कौन सी है, तो ये क्या सिलेंडर, ये क्या है कोन, ये क्या है स्पेयर, ये सारी 3D शेप होती हैं, गोला, ये क्या है शंकु, ये क्या है बेलन। और अगर आपसे पूछेगा 2D शेप कौन सी होती है, वैसे और भी इसमें है 3D, ये क्यूब होती है, जो जगह घेरते हैं ना, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम होता है, जो मतलब कुछ ना कुछ भर सकते हैं, वो 3D शेप बन जाती है, घन हो गया। और 2D कौन से होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल से क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। और ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर से क्या बनता है, क्यूब बनता है, तो वर्ग, तो ये 2D होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सॉलिड की क्या होगी, सॉलिड जो भी सॉलिड चीज होती है उसकी क्या होती है, 3D होती है, 3D शेप, ठीक है। फिर ये कह रहा है इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, देखो ये ना सपोर्टिंग मटेरियल में से क्वेश्चन आया है, तो सपोर्टिव मटेरियल के आप जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उन सबके एमसीक्यू तो अच्छे से कर लें, मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है। अब ये इसमें बताना है कि कौन सा इरेशनल है, आपको ना पता होना चाहिए इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर 9 लिखा है, 9 का रूट कितना होता है 3, 16 का कितना होता है 4, तो ये तो बाहर निकल गया ना, तो ये क्या रेशनल है, क्या ये रेशनल है, और √15 बाहर नहीं निकल रहा ना, तो ये क्या है, ये इरेशनल है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल सकता है, जबकि 25 का √5 होता है, 49 का 7 होता है, तो ये सब बाहर निकल गए, और इनके नीचे 1 लग सकता है, और ये दोनों के दोनों क्या है इंटीजर्स है, यानी कि क्या है पूर्णांक है, जबकि ये बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर। और जैसे कभी एमसीक्यू बात है ना जो सबसे अजीब लग रहा है, जिसमें सबसे अलग बात दिख रही है, तो वही आंसर होता है नॉर्मली, फिर भी चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन इट्स मेजर इज, देखो आपको ने तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसका टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है, आपको पूरक पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री के बारे में, क्योंकि इनमें से एक ना एक आ ही जाता है, सप्लीमेंट्री का टोटल होता है 180 डिग्री, हिंदी में बोलते हैं संपूरक, और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रतिवर्ती, इसका मतलब होता है कि इसको ना हम 180 से बड़ा कहते हैं, 360 से छोटा, तो 360 में से इसको घटा देते हैं, ठीक है, हमें इसको 360 में से घटाना होता। अब इसने पूछा है, अब हम अपने मन से बताओ, ये कह रहे हैं यदि एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है तो उसका माप क्या है। अब आप देखो कि पूरक का मतलब होता है 90, तो ऐसे कौन से दो एंगल है जिसको जोड़ने पर 90 आता हो और दोनों सेम हो, तो वो कौन होंगे, 45 45, तो इसका आंसर क्या 45, ठीक है। अगर यहाँ पर सप्लीमेंट बोलता तो 180 लाने के लिए दो नंबर कौन से होते जो सेम हो, तो होते 90 90, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो अब हमारे पास है 9th क्वेश्चन,
यहाँ कहा जा रहा है कि पूजा ने बिंदु ए बी और सी से होकर गुजरने वाली रेखा खींची और मोनिका ने बी और सी से गुजरने वाली रेखा खींची, उनकी द्वारा खींची गई रेखाओं के बारे में कौन सी बात सही है? तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे, इसका आपको पता लगाना है। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि पूजा ड्रू अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी। देखो, पूजा ने एक लाइन डाली, इसमें ए भी आता है, बी भी आता है और सी भी आता है, पूजा ने डाली। अब उसके बाद जो मोनिका है उसने लाइन डाली जो बी और सी से पास होती है। तो मोनिका ने कौन सी लाइन डाली जो बी और सी से पास होती है? अब देखो, बी और सी से अगर कोई लाइन पास होती है तो वो या तो इधर पॉइंट होगा या वो इधर पॉइंट होगा। अब ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसे हो तो एक ही पॉइंट को टच करेगी। तो हमें पता लगाना है कि वो लाइन जो है, द लाइंस ओनली मीट एट वन पॉइंट। ये लाइन जो है केवल एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। जब दो लाइन मीट करती है तो उसके बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या लाइन्स परपेंडिकुलर होंगे? ये भी नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर भी नहीं है। और ये कह रहे लाइन जो है पैरेलल होंगी। अब देखो, पैरेलल तब होती, वैसे तो पैरेलल हम इसे कह सकते हैं, लेकिन पैरेलल अलग अलग हो तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये सही हो सकता है अगर ये ऑप्शन ना दिया होता। ये कह रहा है कि लाइन जो कोइंसाइड है, कोइंसाइड का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन को ओवर कर जाती है, ये इसके ऊपर चले गए, तो ये डबल लाइन हो गई एक तरह से, एक के ऊपर ही चढ़ गई। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, कोइंसाइड। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने सबके मतलब भी बता दिए कि द लाइन ओनली मीट वन पॉइंट, अगर ये होता तो ऐसे होता कि ये सब लाइन एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, और परपेंडिकुलर में होता कि ऐसे 90 बन रहा है, पैरेलल में ऐसे होगा, और कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक ही लाइन है और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहां पर बोला गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 125 के ऊपर -1/3 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखो, 125 के ऊपर माइनस का 1/3 लिखा हुआ है, तो आप इस 125 का प्राइम फैक्टर कर दो। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 25 = 5. आपको इसका एलसीएम आता है ना, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 5. तो कितने 5 है? 1, 2, 3. तो 5 के ऊपर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1/3 लिख देंगे और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 के ऊपर कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। और जब माइनस 1 होता है ये, तो ये नीचे एक लगा, इसका रिवर्स कर देंगे, 1/5 कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक ए बी और एक सी डी है। हिंदी में पढ़ सकते हो, दो सरल रेखाएं हैं ए बी और सी डी, दोनों ऊपर काटती हैं। तो देखो, ये एक ए बी हो गई, ए बी, दूसरी हो गई सी डी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, और ये कह रहा है कि एंगल बनाता है बी ओ सी 53। तो बी इसे ओ मान लो, बी ओ सी कितना एंगल है? 53 है। अभी 53 दे रखा है, तो इसने बोला कि बी ओ डी कितने का होगा? बी ओ डी, देखो एक लाइन का टोटल कितना होता है? देखो, आपको खुद फिगर बनानी होगी। यहां पर साफ बोल रहा है कि दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, काट रही है। फिर भी आप अगर ऐसे नहीं बना रहे तो टीचर क्या करेगा? और यह बोल रखा है कि बीओसी 53 है, ये 53 है। इसने पूछा ये कितने का होगा? एक लाइन का टोटल 180 होता है ना, तो 180 में 53 घटा दो तो कितने बचे यहां पर? 127 बचे। तो हमारा ये आंसर आ गया, 127। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 12th क्वेश्चन। ये कह रहा है एरिया जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 16√3 दे रखा है, साइड निकालनी है हमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, इसकी भुजा निकालनी है। देखो, मैं आपको बता दूं, जो चीज हमें दे रखी होती है उसी का फॉर्मूला लगाना है, आप इजिली कर सकते हो।
तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज पर हिंदी में लिखता हूं, का क्षेत्रफल, और हिंदी के बाद इंग्लिश में लिखते तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो वैसे तो आपको रफ में करना है, ठीक है, मैंने वीडियोस पुरानी बना रखी है क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है, बाकी एक मैं नई भी अपलोड करूंगा जल्दी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दे रखा है हमें, 16√3, तो सामने लिख देंगे और फॉर्मूला नीचे लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड की पावर 2 इज इक्वल टू में 16√3, ये सेम उतार लिया। हिंदी में यहाँ पे लिख देंगे भुजा की पावर 2, ये लिखोगे √3/4 भुजा की घात 2, √3/4 साइड हमें पता नहीं है, इक्वल टू 16√3 मैंने सेम ही लिख दिया। अब इसको उठा के उधर ले जाओ, ये मतलब इस टाइप की जरूरत नहीं थी, छोड़ो इसे, क्योंकि सेम ही हो गया ना। अब ये √3/4 है ना, इधर जाके 4/√3 बन जाएगा, ठीक है, और √3 से √3 कट जाएगा, 16/4 से कितना होता है, मत करो मल्टीप्लाई, ऐसे ही रहने दो। ये जो स्क्वेयर है ना, इधर जाके रूट बन जाए, स्क्वेयर जाके रूट बन जाएगा, तो 16 का रूट करो। अब नहीं आता तो आप ऐसे करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 4 का क्या होता है, 2 2 जा 4, तो दो दो में से एक भर आ गया, दो दो में से एक भर आ गया, दो दो में से एक भर आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, समझ में आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इन सब में से अगर ये चीज है तो कौन सा आंसर है, इनका आंसर इनमें से कौन सा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे दो साइड है, एक एंगल है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसा कुछ रूल होना चाहिए, ऐसे ये तो होता नहीं है। तो सर ये क्या क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो यहाँ पर ए बी लिखा है, तो आप चेक करो जहां ए बी लिखा है वहीं क्यू आर लिखा है, जैसे ए बी यहाँ पे शुरू में है तो क्या क्यू आर शुरू में है, नहीं है ना, तो ये आंसर गलत है। अब यहाँ देखो ए बी शुरू या ऐसे जगह ए बी, तो यहाँ देखो ए बी ऐसे है, तो जो क्या क्यू आर भी ऐसे है, हाँ ऐसे है, समझो। अब देखो बी सी को भी देखो, तो तीनों चीज चेक करने पड़ेंगे, बी सी ऐसे है तो क्या, देखो बी सी ऐसे है तो क्या पी आर ऐसे है, पी आर देखो ऐसे ही चल जाएगा, बी सी आर पी आगे पीछे ही चल जाता है, लेकिन ये शुरू में है ना बी सी, और पी आर या आर पी भी शुरू में है, ठीक है, तो चल जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है एंगल बी और आर, तो एंगल बी बीच में है और एंगल आर भी बीच में है, बीच में है ना, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा बी, जिसकी सारी बात मानी जाएगी वही होगा। ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ ए भी लिखा है, यहाँ पे ए और बी के बीच में सी है और क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे क्यू आर के बीच में कोई भी नहीं है, तो ये गलत माना जाएगा, ये बी सही है। अगर नहीं आना वीडियो को पीछे करके समझ लेना, क्लियर हो गया। फिर ये कह रहा है कि अगर ये चीज है और ये इसका मतलब हिस्सा है, मतलब ये इसमें आता है लाई करते, तो के की वैल्यू निकालो। ये कह रहा है कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो डियर बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, पहले वाले को एक्स बोलते हैं, बाद वाले को वाई बोलते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, वाई इज इक्वल टू हमें 0 दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखी है 2x+3y इज इक्वल टू में k, ठीक है, आप यहां में लिख दी। अब 2 की जगह 2 लिखा, एक्स की जगह 2 लिखा, 3y की जगह 0 लिखा, इज इक्वल टू में k, 2 2 जा 4, 3 की 0 मल्टीप्लाई करी 0, 4 में 0 जोड़ा 4, k हमारा 4 आंसर आ, ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 4 है। फिर ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये चारों कौन x के बराबर, मतलब सोल्व करने पर ना x की पावर 1 आ जाए तभी तो बराबर होगा, तो हमें बोला है कौन x के इक्वल है। इन चारों को सोल्व करके हमें पता लगाना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू x के बराबर आ रही है। तो पहले वाला देखो, ये ना माइंड में ही आप सोल्व कर सकते हो। देखो अब बच्चे यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ना, तो एक्स के ऊपर यहाँ लिखा है 13/7, माइनस एक्स के ऊपर लिखा हुआ 6/7, ठीक है,
और कई बच्चे इस पर टिक कराएंगे, बच्चे देखो यह माइनस है, तो ये तो है नहीं कि यह माइनस है तो आप इसको माइनस कर दोगे पावर को, नहीं। देखो ये फॉर्मूला होता है, जब डिवाइड होता है ना तो पावर को माइनस किया जाता है, पर यहां पर माइनस दे रखा तो थोड़ी माइनस करेंगे पावर को, सुन रहे मेरी बात? तो ये पहले गलत हो गया, ये सॉल्व होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट की बारी, ये देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। रूट एक्स के ऊपर यहां पर 3 लिखा हुआ है, फिर उसको ब्रैकेट लगा के यहां पर लिखा हुआ है 2/3, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर भी रूट लगा रहे हैं, तो पहले इस रूट को हटाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 के ऊपर 1/2 है, अगर रूट 3 लिखा है तो इसका मतलब है 3 के ऊपर 1/3 है, ठीक है। तो हमने एक्स की पावर यहाँ लिखी 3, ठीक है, आप ध्यान से देखो। और ये जो रूट है, ये रूट, इस रूट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1/2, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 2/√3, और उसके ऊपर रूट लगा दो, उसका मतलब क्या होगा 1/2, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो यार 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, लेकिन अब भी एक्स के ऊपर 1/2 बच रहा है, तो ये एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। फिर इस वाले पे आ जाओ, ये तो ये वाले पे देखो, तो यहां पर आप देखोगे एक्स के ऊपर 3 है, फिर ये रूट लगा तो इसका मतलब 1/2 हो गया, फिर उसके बाद 4/3 है, 4/3 हो गया, और फिर उसके रूट है तो उसका मतलब 1/2 हो गया। अब देखो 3 से 3 का आंसर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो एक्स आ गया, क्योंकि एक्स की पावर 1 आ गई, इसलिए इसका आंसर क्या सी। समझ में आ गई एक्स का मान कैसे निकालना था, किस तरीके से लगाया। यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 13/7 20/ अच्छा पावर जुड़ जाएगी, लेकिन ये रेसिप्रोकल में है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 1 नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या सी। फिर उसके बाद ये कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई, ये कह रहा है ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये कह रहा है कि ये किस चतुर्थांश में आएगा अगर भुज 2 है। देखो मैं आपको बता दूं, जो भुज होता है ना उसको इंग्लिश में बोला जाता है एफ सी सा, ABCI SSA, और ये एक्स का मान होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कोटि, जिसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, तो ये वाई का मान होता है, ठीक है। अब हमें एक्स और वाई दे रखे हैं, देखो यहां पर लिखा है एक्स 2 है और वाई जो है वो -3 है, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ प्लस प्लस होता है या माइनस प्लस होता है, या माइनस माइनस होता है या प्लस माइनस होता है। अब बताओ एक्स प्लस का वाई माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और नहीं तो बना लो डायग्राम। देखो प्लस इधर होता है, एक्स का 2 ये रहा, वाई का -3 ये रहा, 1 2 3, तो एक्स का 2 वाई का -3 इस पॉइंट पे आ रहा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में होगा, नहीं तो आप सीधा बता रहा प्लस माइनस दे रखा फोर्थ में आएगा, मैंने आपको थोड़ा डीपली बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अ नंबर इज रेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, ये कह रहा है एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव कैसा होगा, बताओ। अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसकी खास बात क्या होती है, मैंने आपको जब शुरू में करवा था बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है, याद रखना इरेशनल नंबर का गुण क्या होता है, वो अशांत और अनावृत्ति वाला होता है, अशांत और अनावृत्ति वाला होता है। फिर आ जाइए हमारे 18th क्वेश्चन पे, तो ये कह रहा है कि अगर दो पतझड़ी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और हमें दे रखा है PQR और MQN को सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता, बताओ हमें और चीज क्या चाहिए। देखो भाई इस फिगर में हमें ये साइड इसके बराबर दे रखी है और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि काटा लगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीसरी चीज हमें क्या चाहिए क्या, और वो सही है क्या, ये कह रहा है NQM और PQR, ये तो हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद
बराबर क्यू एम, पी क्यू बराबर क्यू एम, तो अगर हमें तो ये हम यूज कर सकते हैं। अगला पढ़ लेते हैं, क्यू पी आर बराबर क्यू एन एम, क्यू पी आर ये वाला एंगल बराबर क्यू एन एम, क्यू एन एम इसके कोई लॉजिक ही नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। पी आर बराबर पी एन, पी आर बराबर एम एन, तो अब जैसे मान लो हमने ये लिया तो हमें और क्या दे रखा है, हमें एस एस ए, देखो ए एस एस का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है ना। अगर मैं ये साइड लू, ये एंगल लू और ये साइड लू तो ए एस एस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, ये साइड लेंगे, ये एंगल लेंगे, ठीक है, और हम क्या लेंगे, और हम ये वाली साइड ले लेंगे। तो देखो दो साइडों के बीच में एक एंगल है तो ये फॉर्मूला होता है एस ए एस, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, बी आ गया, ठीक है, समझ में आ गई। तो बी क्यों आया, क्योंकि यहाँ अगर हम ये दोनों बराबर ले लेते हैं तो एस फिर एंगल हो गया ए एस, एस ए एस फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए। अब उसका असम्पशन रीजन ये ध्यान समझ लो, देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसके बाद देखना है कि अगर दोनों ट्रू है तो फिर देखना है कि ये वाला आंसर क्या ऊपर वाले का है, तो अगर है ऐसा तो वो हम इस पर टिक कर देंगे पहले वाले पे, और अगर मान लो एक झूठ निकल गया सच निकल गया तो इन दोनों में से देखोगे कौन सा सत्य और कौन सा सत्य है ये वाला, ठीक है। अब इसने बोला है, देखो ये कह रहा है कि आकृति दे रखी है एओडी 70 का है, हाँ 70 का है, बी ओ सी 110 का, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर समकोण बराबर होते हैं, तो ये गलत दे रखा है, ये गलत है, ये कह रहा है शीशे में कोण बराबर होते हैं, ये ट्रू है, ये गलत है, ये ट्रू है, तो जब ए गलत हो और आर सी हो तो डी पर टिक करेंगे, तो इसका आंसर डी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं दो आठ से होकर अनंत रेखाएं गुजरती हैं, ये कह रहा है अगर हम टू और एट पॉइंट लाइन पे डालें तो उससे बहुत सारी लाइन जाएंगे, अभी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है दो चरों वाले देखिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेकल होते हैं, ये कह रहा है जो भी दो वेरिएबल एक्स प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 12, तो ये कह रहे जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं इन सबके बहुत सारे हल होते हैं, तो ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है, पर दो और आठ से बहुत सारी रेखाएं जाएंगी, इसका रीजन ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो मैंने आपसे बोला था शुरू में कि मैं आपको एनसीक्यू के 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, बाकी जैसे आपको बहुत सारा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आगे के पेपर के क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूंगा, लेकिन आपको आगे के पेपर दिखा रहा हूँ ताकि जो बच्चे पेपर ढूंढ रहे हैं, जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी कर लें, ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन फटाफट देख सकते हैं, और आपको पेपर कैसा लग रहा है, आपको टफ लग रहा है या इजी लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, और आप फटाफट अभी देख सकते हैं, मैं थोड़ा स्पीड से दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप वॉइस का भी देख लेना ताकि आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है डियर, पेपर काफी लेंथी आता है, पहले से तैयारी कर लो, पहले से मिड टर्म वगैरह के पेपर कर लो 2-3 साल के, और 3-3 घंटे बैठ के लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ो और देखो कि पेपर अटेम्प कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्या क्वेश्चन सारे आ रहे हैं नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, कमी ढूंढो और उसको दूर करो, ठीक है, एनसीईआरटी और इसके एग्जाम्पल अच्छे से पहले कर लेना और सपोर्टिंग मटेरियल कर लेना, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कुछ चीजें तो हमें फिर भी दिमाग से लगानी पड़ती है जो केस स्टडी होती है, जो बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो आराम से इसके आंसर बता देंगे, तो बाकी बच्चे देखते रह जाएंगे, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखकर पढ़ना होगा, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप सोचें कि आपने 20 में से 15 के आंसर दे दिए, एमसीक्यू में मजे आ गए, ऐसा नहीं है, एमसीक्यू अलग बात है,
और थ्योरी जो है थोड़ी अलग बात है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।